बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के विशेष पैकेज भी शामिल है। केंद्रीय बजट पर नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने खुशी जताई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने बीते मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विशेष पैकेज भी शामिल है। केंद्रीय बजट पर नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने खुशी जताई। वाइस चांसलर अभय कुमार सिंह ने कहा कि हमारे लिए ये काफ़ी खुशी की बात है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए यहाँ के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस पैकेज से नालंदा विश्वविद्यालय का विकास और भी तेजी के साथ हो पाएगा। यह नालंदा के विकास के लिए बहुत बड़ी घोषणा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नालंदा विश्वविद्यालय के दौरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि नालंदा के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है, तभी से हम इस बात से अवगत हैं कि नालंदा के लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। वाइस चांसलर ने केंद्रीय बजट की तारीफ की और कहा कि इस बजट सत्र में नालंदा के चौमुखी विकास की बात कही गई है, साथ ही कई योजनाओं को शुरू करने का भी ऐलान किया गया है, जो नालंदा के लिए एक लाभकारी फैसला साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि नालंदा को अपने लक्ष्यों को हासिल करने में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। हमारे पास इस समय संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन इनका सही इस्तेमाल होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवन से प्राचीन शिक्षा को फिर से बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय में यहाँ लगभग 26 से 27 देशों के छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया के कई देशों के विद्यार्थी शामिल हैं। आधार पर निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय ने 800 साल बाद फिर से इतिहास रच दिया है। कल बजट सत्र फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यानी पेश किया गया था, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी। सर, एज अ नालंदा यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से आप किस प्रकार देखते हैं? ये बहुत हर्ष का विषय है कि नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो घोषणा की और कहा कि नालंदा के रिवाइवल के लिए हम पूरा समर्थित करते हैं, साथ ही नालंदा राजगीर और उन्होंने इसका पूरा इस क्षेत्र की बात करी, इसको इसका पर्यटन का विकास किया जाएगा, समग्र विकास की बात की जाएगी, डेवलपमेंट की बात करी। तो ये एक बहुत हर्ष का विषय है, बहुत उत्साहित हैं हम, बहुत प्रसन्न हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक महीना पूर्व माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पधारे थे और उन्होंने जब इस नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया तो उन्होंने ये भाव व्यक्त किया था कि नालंदा से आज से उद्घाटन के बाद हमने कहा उसका स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी घोषणा थी और हम लोग इस आशीर्वाद को प्राप्त कर सके थे माननीय प्रधानमंत्री से। हमें अब ये विश्वास था कि जो कुछ होगा अब अच्छा होगा, पर आज बजट सत्र में जब ये कल घोषणा की गई कि इसका चहुमुखी विकास होगा इस क्षेत्र का और उसमें समग्रता का जो एक तत्व है कि पूरे क्षेत्र का विकास होगा नालंदा को पुनः स्थापना के लिए, तो ये तो बहुत ही बड़ा बल है हमारे लिए, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी वरदान है। मैं मानूंगा कि इसमें जो ये आशीर्वाद वरदान संपन्नता की तो कमी नहीं थी, हमेशा से सरकार देती रही है। मुझे विश्वास है कि इससे नालंदा के जो ध्येय हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने में और सुगम हो जाएगा और सरल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है सर, क्या यूनिवर्सिटी के लिए अगर उस विशेष पैकेज में विकास का क्या अति तेजी आएगी? जैसा मैं सुना है और उसमें पैकेज की बात जो आप कह रहे हैं, तो कोई धनराशि का उल्लेख तो अभी मुझे
पता नहीं है, पर जब वो नालंदा के क्षेत्र का विकास होगा तो नालंदा का विकास होगा स्वतः, और नालंदा के विकास के लिए जो अलग से कुछ अनुदान होगा तो उसका हमेशा, देखिए यहाँ लक्ष्मी जो आती है उसका हमेशा सरस्वती की सेवा में ही उसका प्रयोग होता है, तो अवश्य ही जो हम जो चीज़ जहाँ पर हम सोचते हैं कि कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी तो नहीं है पर संसाधनों का सदुपयोग करते हुए जो हाँ कुछ अच्छा किया जा सकता है उसको किया जाएगा। वो निर्णय जो होंगे वो यहाँ के गवर्निंग बोर्ड के होंगे, सरकार के होंगे। देखिए नालंदा तो सदैव ही देश विदेशों में इसकी जो ख्याति कीर्ति और इसका जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ऊंची रही है, और आपको मालूम है कि सदियों से लोग यहाँ यात्री आए, उन्होंने आकर यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। इसी नालंदा विश्वविद्यालय और ऐसे ही हमारे जो अन्य कुछ इसके आसपास जो बड़े विश्वविद्यालय आपको मालूम है भारत के थे, वही सब तो हमारे ज्ञान के केंद्रों ने भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिलाया था। अब इसका जब पुनरुत्थान किया गया, इसको पुनर्जीवित किया गया, इस विश्वविद्यालय का भी लक्ष्य ध्येय यही है कि वही प्राचीन शिक्षा, जो वही विषय, और उस शिक्षा में क्या था, वो ज्ञान के साथ में मानवता का पाठ था, उसमें वो हमारे जो नैतिक मूल्य थे, जो हमारा मानव के प्रति जो और प्रकृति के प्रति जो हमारा सद्भाव, ज्ञान के द्वारा सिर्फ हम आगे बढ़े ऐसा नहीं किया हमने, ज्ञान के साथ में वो मानवता और वो जो नैतिकता के गुण थे, ऐसा ज्ञान भारत ने दिया। नालंदा से अभी फिर यही अपेक्षा है कि विश्व में शांति सद्भाव के लिए उस ज्ञान को उपजाए और आगे भेजे, और वही किया जा रहा है। यहाँ से कहाँ कहाँ के छात्र लोग मतलब आए हुए हैं? यहाँ पर तो सभी देशों से, मैं तो कहूँगा आप अगर जोड़िए तो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप, अफ्रीका से, सारे एशिया से, सब जगह से बच्चे, यूरोप से बच्चे यहाँ पढ़ने आए। लगभग 26-27 देशों के बच्चे पिछले सत्र में यहाँ पढ़ते हैं, और इस वर्ष भी ऐसा ही होगा। तो थैंक यू।